Good morning, Standard 6. How are you, students? As we started new chapter, chapter number 22, that is data handling. You know, previously I had explained all the definition of related chapter. Today we have to start the exercise, and in the exercise, the very first question is define the terms. And all those definitions which I had already explained to all of you, you have to note it down. जितनी भी एग्जाम्पल डेफिनेशन हमने आपको एक्सप्लेन करी है वो सारी की सारी आपसे क्वेश्चन नंबर वन में पूछी गई है, आप उसको खुद से करोगे. आई हैव रिटन डू योर सेल्फ, आप भी कहीं डू योर सेल्फ मत लिख के छोड़ देना. यू हैव टू डू ऑल द डेफिनेशंस हियर. क्वेश्चन नंबर टू से हम स्टार्ट करेंगे. इस चैप्टर में आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना सिखाया जाएगा. देखिए, जैसा कि हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया था कि आपके क्लास में बैठे हुए सभी बच्चों के अगर हम मार्क्स नोट डाउन करते हैं तो बहुत सारे मार्क्स ऐसे होंगे जो बार बार आ रहे होंगे. मानी सपोज 45 मार्क्स, 12 बच्चों को 45 मार्क्स आए हैं, 10 बच्चों को 80 में से 80 आए हैं, है ना. तो बहुत सारे नंबर ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट करते हैं. तो जो जितनी बार रिपीट कर रहा है वो उसकी फ्रीक्वेंसी इंडिकेट करता है. ऑब्जर्वेशन वो होती है कि कितने बार कौन सा नंबर, मतलब कोई एक पर्टिकुलर नंबर है वो, उसको आप ऑब्जर्वेशन बोलते हो. सिंगल एंट्री जो है वो ऑब्जर्वेशन कहलाती है. तो जब आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है तो उस टेबल में आपको तीन चीज़ें लिखनी होंगी. सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, सेकंड नंबर पर टैली मार्क, थर्ड नंबर पर फ्रीक्वेंसी. देखो बेटा, सम करने से पहले टैली मार्क क्या है ये जान लेते हैं. अगर कोई नंबर एक बार आया तो हमने एक टैली लगाया, वो नंबर दो बार आया है तो हमने दो टैली लगाया, नंबर तीन बार आया तो हमने यहाँ थ्री लाइन्स लगाई, नंबर चार बार आता है तो हमने ये फोर्थ लाइन लगा दी, और वही नंबर अगर पाँचवीं बार भी आ रहा है तो हम पाँचवीं लाइन नहीं लगाएंगे, हम इसे इस तरह से क्रॉस करें. दिस मीन इट इज फाइव. मान लीजिए फिर एक बार ये नंबर आ गया तो इसके आगे कंटिन्यू करके ये हो गया सिक्स, सेवन, एट, नाइन और टेन के लिए फिर इस तरह से. सिर्फ ये फाइव ही थोड़ा अलग है जो बाकी सारे नंबर से अलग दिखता है, अदरवाइज हर नंबर के लिए सिंगल लाइन आपको लगाते जाते हैं. और सपोज हमने यहाँ पर ये टेन लिखा तो इसको यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम में फ्रीक्वेंसी, तो ये टैली मार्क में 10 हो गया तो फ्रीक्वेंसी में आपको इसको इस तरह से नंबर में लिख देना. ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर टू है द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 25 फैमिलीज ऑफ अ कॉलोनी आर गिवन बिलो. एक कॉलोनी में 25 घरों में विजिट करने के बाद पता चला कि हर घर में कितने कितने बच्चे थे. मेरे पास जो भी डाटा लिखा गया है, आपके पास दो तरीके होते हैं. या तो आप सबसे पहले उस डाटा को अरेंज कर दो, एरे में. एरे का मतलब डाटा को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले अरेंज करके रखो. अगर आप वो कर लेते हो तो बहुत ही आसानी से आपका काम हो जाने वाला है, बट हम बिना अरेंज किए कर रहे हैं. हमने सबसे पहले सारा लिखा गया डाटा, 25 फैमिली के बच्चे थे, ज़्यादा तो नंबर डाटा था नहीं. हमने देखा कि कौन सा नंबर सबसे छोटा है और कौन सा नंबर सबसे बड़ा. हमने ऑब्जर्व किया कि मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू 4. तो हमने ऑब्जर्वेशन में, मतलब ये 0 का मतलब 0 चिल्ड्रन, एक बच्चा, दो बच्चे कितने घरों में हैं, तीन बच्चे कितने घरों में हैं और चार बच्चे कितने घरों में हैं. ठीक है, हमने 0, 1, 2, 3, 4 करके ऑब्जर्वेशन के अंदर लिख दिया. अब हम यहाँ देखते जाएंगे और इधर टैली लगाते जाएंगे. देखो, सबसे पहले लिखा गया है 2 का मतलब 2 के सामने आप टैली लगाओगे, उसके बाद है 0, यानी कि 0 के सामने टैली लगाना है. फिर 2 लिखा आया, आपने 2 के आगे टैली लगा दिया, उसके बाद 4 था, आपने 4 के आगे टैली लगाया, फिर 2 है, आप 2 के पास चले आए, फिर 1 था तो आप 1 के पास चले गए, उसके बाद 2 बार 3 है तो 3 वाले खाने में आपने 2 बारी 2 टैली लगाई, फिर उसके बाद 1 है तो आपने 1 में आके एक और निशान लगाया, अगेन 0 था तो हम 0 वाले कॉलम में घसल गए, फिर 2 है तो हम 2 वाले कॉलम में चले आए, उसके बाद 3 था 3 में आ गए, उसके बाद 4 है हमने 4 में एक टैली लगाया, उसके बाद फिर 3 है हम 3 में चले आए, उसके बाद 3 बार 1 है 1, 2. अब तीसरी बार वाला 1 यहाँ नहीं लिखेंगे तो क्योंकि 5 हो जाएगा, इसलिए उसको इस तरह से निशान लगाया है. उसके बाद 2 बार 2 है, देखो 4 बार हो चुका था, एक बार और हो गया 5 और एक बार और 6. उसके बाद 1 टाइम 3, यानी कि 4 हो चुका था, एक बार और 3 लगाने का मतलब है कि 5 हो जाता, इसलिए हमने 5 को इस तरह से लिखा स्लांट करके 2, 4, 1. 2 के लिए फिर हम 2 के पास आए, फिर 4 और फिर 1. ठीक है, उसके बाद है 2 बार
25 के 25 परिवारों में कितने कितने बच्चे थे हमने यहाँ टैली मार्क में इंडिकेट कर दिया। अब इसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है। ये हो गया 2, ये हो गया 6, ये हो गया 549, ये हो गया 5 और ये हो गया 3। चलो बच्चे अब इसको जोड़ दो, 25 फैमिली थी, अगर ये ऐड होकर 25 हो जाता है तो हमारा आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है। और अगर कहीं कुछ गड़बड़ हुई है तो आप फिर से चेक करो, जरूर एक आध नंबर छूट गया होगा। तो 6, 2, 8, 2, 17, 17, 18, 20, 25 ऐड किया तो ये टोटल 25 है, मतलब हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द सेल ऑफ शू ऑफ वेरियस साइज, देखो यहाँ साइज लिखा है, अलग अलग साइज के बहुत सारे जूते हैं, उसमें आपको किसी शॉप में एक पर्टिकुलर डे में कितने साइज के कितने जूते बिके उसका टेबल बनाना है। तो हमने सबसे पहले मिनिमम साइज दे दिया, वो 4 था और मैक्सिमम नंबर शू का 9 था, तो हमने 4, 5, 6, 7, 8, 9 सबको लिख दिया। हो सकता है कि 7 नंबर का कोई जूता हो ही ना, तो ये 0 जाएगा। बट हम अभी पहले यहाँ पर जो डाटा लिखा है उसके हिसाब से देखेंगे और टैली लगा लेंगे। सबसे पहला नंबर था 6, तो हमने 6 के आगे एक निशान लगाया। फिर था 9, हमने 9 पे एक निशान लगाया। देन 8, हमने 8 पर निशान लगाया। उसके बाद दो बार 5 पे निशान लगा दिया। फिर 4 था, उसके बाद फिर 9 है, 8, 5, 6, फिर 8 है, फिर एक 5 है और एक फिर 6 है। उसके बाद 2 9 है, तो 9 में हमने 2 निशान लगाए, ठीक है। 2 9 के बाद फिर 7 है, तो हम 7 में चले आए। फिर 8 और 9, एक 8 और एक 9, 9 और 5 नंबर हो जाएगा, तो हमने क्रॉस कर दिया। 7, 6, 9, फिर एक 7, फिर एक 6, फिर एक 9। उसके बाद 8, 6, 7, 8, 6, 7, 5, 8, 9, 4, 5, 8, 9, 4, 5, 8, 9, 4 के बाद 5, 8, 7, 5, 8, 7। चलिए टैली मार्क लग गए, अब फ्रीक्वेंसी को बदलिए। ये नंबर लिखा हुआ है 2, ये नंबर लिखा गया है 5, ये नंबर है 4, ये भी 4, यहाँ 6 और यहाँ 7, ठीक है। 5, 2, 7, 7, 14, 14, 6, 20, 20, 8, 28, लेट मी चेक, 28 जूते हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, टोटल ऑल टुगेदर 28 शूज बिके उस दिन। और किसके साइज के बिके उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपके सामने, क्लियर बच्चे। एक और सम कर लेते हैं, क्या है कि नीचे कुछ नंबर लिखे हैं उसकी हेल्प से एक फ्रीक्वेंसी टेबल बना दो। हमने सबसे पहले मिनिमम नंबर देख लिया, वो था 1, मैक्सिमम नंबर था 5, हमने 1, 2, 3, 4, 5 लिख दिया। अब हमको टैली लगाना है, सबसे पहले 3, 2, 5, 4, 3, 2, 5, 4, पहले 4 नंबर हमने देख लिए, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 2, 5, 3, 1, 2, 5, 3, 1, 2, 5, 3, 1, 2 के बाद 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2 एक 5 हो गया और एक 6, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 3, 3, 4, 5 और 3, 3, 4, 5, 3, 1, 2, 3, 1, 2 और 3। चलिए इसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं, 5, 7, 6, 2, 3, 7, 3, 10, 10, 2, 12, 13 और 10, 23। देखते हैं ऐड करके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 एंट्रीज थी, हमारे पास 23 आ गया। देखो एक मैजिकली ये सॉल्यूशन भी हो सकता है, अगर आप सबसे पहले अरेंज करके लिख दो, सबसे पहले आप इसका एरे बना दो। एरे का मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपने एरे लिखा, एरे ने सारे नंबर को अरेंज कर दिया। जैसे अरेंज करने के दौरान हमने देखा कि 5 बार 1 1 1 1 1 आया, फिर 7 बार 2 आ गया, 2 2
नंबर 3 आ गया, उसके बाद 2 बार 4 आ गया और 3 बार 5। ठीक है, ये मेरे पास शू के जो साइज थे उसको हमने अरेंज करके लिख लिया। तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पर बार बार स्ट्रोक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने देखा एक साथ 1 2 3 4 5 5 बार बनाया है, आपने सीधे यहाँ 5 लिख दिया, इधर नंबर 5 लिख दिया। 1 2 3 4 5 में 7 बार 2 आया है, आपने 7 टैली लगाई और 7 लिख दिया। फिर 1 2 3 4 5 6 बार 3 आया है, आपने 6 टैली लगाई और 6 लिख दिया। 2 बार 4 आया है, 2 टैली लगाई, 2 लिख दिया। 3 बार 5 आया है, 3 टैली लगाई और 3 लिख दिया। ठीक है क्लास, जैसे समझ में आए जैसे अच्छा लगे वैसे करिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये 4 सम्स आपको बना लेने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 खुद से करोगे, 2 3 4 मैंने बना दिया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट नाइसली, वॉच द वीडियो अगेन एंड अगेन सो दैट योर कंसेप्ट शुड बी क्लियर। ये चीज जो आज पढ़ा दी जा रही है ये बार बार नहीं पढ़ाई जाएगी। ओके क्लास, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।